सिगरेट बेचने का धंधा शुरू किया। शुरू के दौर में ऐसा रहा कि अमेरिका इंग्लैंड का गुलाम था, आप सभी जानते हैं। तो एक तरह से अमेरिका का जो सिगरेट का धंधा था वो पूरी तरह से इंग्लैंड के कब्जे में था, इंग्लैंड की कंपनियों के कब्जे में था। तो अमेरिका को गुलाम बनाकर अंग्रेजों ने तंबाकू का उत्पादन अमेरिका में शुरू कराया। अमेरिका की ज़मीन इंग्लैंड से थोड़ी अच्छी है, अमेरिका की ज़मीन यूरोप के देशों से भी थोड़ी अच्छी है। अमेरिका की ज़मीन ऐसी ज़मीन है जहाँ तंबाकू का अच्छा उत्पादन हो सकता है। तो जब ये स्पेनिश लोग अमेरिका में गए, आप तो सब दुनिया का इतिहास जानते हैं, सबसे पहला अमेरिका में जाने वाला जो यूरोपियन था उसका नाम था कोलंबस। 1492 में वो अमेरिका में पहुंचा, वहां पहुंचकर उसने एक कॉलोनी बनाई स्पेनिश लोगों की और फिर गुलाम बना के लोगों को लूटना शुरू किया, और उस स्पेनिश कोलंबस ने ले जाकर वहां तंबाकू का उत्पादन शुरू कराया। फिर वो तंबाकू